तुम्हाला त्रास देते, सॉरी हा काका। Pauna Lake, and you can see water all around, and the scenario over here, it's all mountain area, and this Pauna Lake is too big. It's connected to Lonavala and Pune. यहाँ पे एक अंकल फिशिंग कर रहे हैं, सो ये फिशिंग का स्टाइल बहुत यूनिक है, मैंने ये पहले नहीं देखा है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ लोकल फिशिंग. ही हैज सम थ्रेड्स जिसपे खाना लगा हुआ है और उन्होंने पानी में छोड़ के रखा है. नाउ ही सर्चिंग फॉर बिग फिश. तो this is what the locals do over here. So guys, I have tried fishing nearby the river, but this is a local kind of fishing which uncle has given me to try. Locals yahan pe is tarike se fishing karte hain, unke paas fishing rod nahi hota hai, so they attach the food to a thin thread kind of a thing and they put it inside. Now I'm waiting for a big fish to come and eat the meal. You guys can see small fishes, but small fishes अंकल को नहीं चाहिए, तो उनको बड़ी फिश चाहिए. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. लोकल्स ओवर हियर एंजॉय इट सो नाइसली. अंकल इज सिटिंग फ्रॉम वन आवर ओवर हियर एंड ही इज वेटिंग फॉर द बिग फिश टू कम एंड हैव हर मील सो दैट ही कैन हैव हिज स्टेपल मील. अंकल ने ये दो फिश पकड़ी है और इसमें से एक मैंने पकड़ी है. सो दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम दिस पावना लेक गाइस. मतलब त्रास देते, सॉरी हाँ काका. सो पावना लेक इज फेमस फॉर कैंपिंग, बट आई एम गोइंग टू ट्राई समथिंग यूनिक एंड न्यू, दैट इज ग्लैम्पिंग. सो देर इज वन प्लेस नोन एज ग्लैम्प एवरेस्ट. आई वॉन्ट टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन कैंपिंग एंड ग्लैम्पिंग. कैंपिंग मीन्स ऐसी नदी के किनारे यू विल हैव योर ओन टेंट, बट ग्लैम्पिंग इज द ग्लैमरस वे. दैट मीन्स दे हैव देयर ओन टेंट बिल्ड अप इन अ लग्जूरियस वे. आई विल बी डूइंग ग्लैम्पिंग बिकॉज कैंपिंग मैंने कभी नहीं किया है एंड दिस इज माई फर्स्ट टाइम. कैंपिंग तो बहुत कॉमन है, बट ग्लैम्पिंग इज समथिंग ग्लैमरस. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ग्लैम्पिंग करूँ, और राइट नाउ आई विल मूव अहेड टू दैट प्लेस नोन एज ग्लैम्प एवरेस्ट for my glamping, and I will share all the experience with you guys. So stay tuned and watch the whole video. So Pauna Lake ke ha maine bahut hi peaceful time bitaya hai. Ab chalte hain glamping ke liye. So let's go. And dinner. Then there is a bonfire over there in the corner. So at night around 10:30, after you finish your dinner, they place a bonfire over here. You can enjoy that overnight. Also, this is a small area which they have made with lights at night. It's very beautiful for couples who can have their romantic date over here. So this is something which is unique in at this place. Then they have a selfie point, guys. At night, there are lights over here. Glam guys,
एंड इट इज वेरी ग्लैमरस इनसाइड. आर्टिफिशियल फ्लावर्स से अच्छे से यहाँ पे डेकोर किया गया है. यहाँ पे ये लालटेन भी है जो कि हम रात में अगर लाइट जाए तो जला सकते हैं. दे हैव फ्रेश फ्लावर्स, अ ब्यूटिफुल डबल बेड विथ लॉट्स ऑफ गुड पिलोज टू कर्डल ऑन एंड दे हैव अ फर मैट्रेस हियर प्लस दे हैव सम ग्रीन प्लांट्स. A nice lights. This place is so beautiful, guys, and the ambience over here is so awesome. I don't feel like I'm camping over here. It's so glamorous and luxurious inside. This is the stay tonight, and I'm really gonna enjoy this moment. So right behind me is Pauna Lake with lot of mountain view around, and these are the camp area, which is absolutely clean. Near the camp area, that's the washroom, guys. Raat mein, I think, thandi zarur hogi. So I'm fully prepared to enjoy this glamping in this beautiful nature and breathtaking view, guys. जाऊंगी मैं क्या क्या करने वाली हूँ यहाँ पे. यहाँ का एनवायरनमेंट इज वेरी ब्यूटीफुल गाइज, और यहाँ पे हरियाली बहुत है. सो पीपल हु लव नेचर लाइक मी, आई लव नेचर लॉट. और मुंबई से बाहर 145 किलोमीटर्स आपको यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलेगा गाइज, ट्रस्ट मी फॉर ऑन दैट. नाउ वील गो टू दी डाइनिंग एरिया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइज, लेट्स गो. My evening snacks, that is, they have served a lovely sandwich, so I'm gonna have this plus fruit platter and my tea. आप सबको तो पता है कि पैंडेमिक के सिचुएशन की वजह से हम सब घर में ही थे, कहीं जा नहीं सकते थे. तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा माहौल अच्छा हो रहा है तो क्यों ना मैं ग्लैम्पिंग के लिए जाऊँ. और यहाँ पे शहर से दूर ग्लैम्पिंग के लिए आना इज़ अ गुड आइडिया बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं आते हैं. तो यू विल सी फ्यू पीपल ओनली एंड फ्यू टेंट्स आर देयर फॉर ग्लैम्पिंग. तो एक सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाता है एंड यू गेट योर ओन टाइम. आप सबको तो पता है मुंबई का लाइफ कितना फास्ट मूविंग है, और इस भागदौड़ की ज़िंदगी में यू शुड कम समवेयर वेयर यू गेट अ पीस ऑफ माइंड. सो मैं यहाँ आई हूँ और मुझे वो पीस ऑफ माइंड मिल रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं अकेली यहाँ पे आई हूँ, मेरी फैमिली भी बिहाइंड द कैमरा मेरे साथ इंजॉय कर रही है. सो वी आर हैविंग अ लवली टाइम ओवर हियर गाइस, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट लवली टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू प्लेसेस लाइक दिस एंड एक्सप्लोर. इट्स फाइन कि मुझे कहीं ट्रैवल करने नहीं मिला लाइक अब्रॉड और समथिंग लाइक दैट, बट आई कैन इन्जॉय स्मॉल थिंग्स नियर बाय माई प्लेस. सो ये मुंबई से 144 किलोमीटर ही है, नियर पावना लेक. ब्यूटिफुल लेक है यहाँ पे, वो भी आप इंजॉय कर सकते हो डे टाइम में. और अभी रात होने वाली है, सो
It will be after few minutes. It will be a time for barbecue, so we'll enjoy a barbecue as well. Plus, we'll have a lovely dinner over here. It's a bright and sunny day over here. There is a waterfall which I heard it's very beautiful, and we'll have a look. So let's go there. Pathway is not that good. If you can do come inside, you can explore it. Waterfall is flowing down to the valley. The sound of the waterfall is really amazing. It's a beautiful experience. If you guys like my video, please do subscribe, like, and hit the bell icon below. And please motivate me to create more content. Show me some love, guys. Thank you so much. Place and ambience is really well for your weekends. I enjoyed it.